अभी कैसे हैं आप सब? Now let's start a new part. Let's try start करने से पहले don't forget to subscribe our channel. Thank you. कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रमजान स्पेशल के नाम से, मस्ट वॉच आर वी. आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर देखिएगा रमजान स्पेशल विद BTS. लेट अपलोड करने पर दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं. अब खुश मैं क्यूट आर्मी कीप स्पोर्टिंग मी लाइक यू ऑलवेज डू. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. टाइम स्किप. ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? जिन कहाँ हो तुम? किसने अंदर आते हुए आवाज़ दी? जिन कहाँ हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? अब इसकी लहजे से परेशानी सहज हो रही थी. सरप्राइज, वो सब एक साथ बोले. हाँ, आर्यन का फेस देखने वाला था क्योंकि वो अपनी बर्थडे भूल गया था. हैप्पी बर्थडे लव ऑफ माय लाइफ. हैप्पी बर्थडे डैड. हैप्पी बर्थडे अंकल, ऐसे बुके देते हुए कहा. थैंक यू सो मच जंकुक. ये डैड, ये मेरा, मैं जंगू का फ्रेंड हूँ. हाँ, हम दोस्त हैं. छोड़े आप इसे, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया है. हम चलकर वो कट करेंगे. जी मेरी जान, जैसा आप कहें. सो फॉर माई साइड हैप्पी बर्थडे आर्यन, यू द बेस्ट सीटर फॉर BTS. व्हाट्स योर ओपिनियन आर्मी? आर्मी ये पार्ट मैंने तब लिखा था जब आर्यन की बर्थडे थी. डिमोनेटाइज हुआ तो मैंने ये वीडियो डिलीट कर दी, तो इस वजह से अभी मैं दोबारा पोस्ट कर रही हूँ. सो डोंट फॉरगेट टू विश आर्यन इन कमेंट बॉक्स एंड मस्ट टेल मी कि आर्यन किस किस का बायस है. थैंक यू. नाउ बैक टू आवर स्टोरी. दे ऑल सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्यन, हैप्पी बर्थडे टू यू. आर्मी, यू ऑल्सो सिंग. आर्यन ने सबसे पहले जिनको केक खिलाया. टाइम स्किप. एट डिनर टेबल. आर्यन, जंगकुक तेरा बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा, वरना तुम आज तक किसी दोस्त को घर नहीं लाए. जी रैट, ये बहुत स्वीट और नाइस है. तुम दोनों एक ही क्लास में हो? डैड, क्लास एक ही है पर कैंपस अलग है. तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने? ओहो आर्यन, बच्चों को खाना तो खाने दें, आप तो शुरू ही हो गए हैं. टाइम स्किप. आफ्टर डिनर. अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है. ओके बेटा, दोबारा जरूर आना, तुमसे मिलकर खुशी हुई. मुझे भी. मॉम, मैं जरा बाहर तक छोड़ कर आता हूँ. जल्दी आना, ये बर्तन तूने ही धोने हैं. मॉम, मैं तेरे साथ ही इसीलिए जा रहा हूँ. तू 5 मिनट तक वापस ना आए ना, तो देखी जरा मैं क्या हाल करूंगी तेरा, इससे पीछे से ऊंची आवाज में कहा. तुम मेरे साथ आ रहे हो? नहीं, वो तो मैं मॉम को तंग कर रहा था बस. अब जाओ और पहुंच कर टेक्स्ट करना मुझे, मैं इंतजार करूंगा. अगर फ्रेड जिमिन, आज सारा दिन इसने खुद को रूम में बंद रखा था. वो किस नहीं थी, नहीं थी वो किस? इसने फिर से डराना शुरू कर दिया था. शुगा, तुमने क्यों मुझे किस की? मेरी फर्स्ट किस चुरा ली तुमने. तुम बहुत बुरे हो. टाइम स्किप. नेक्स्ट मॉर्निंग. वो क्लास में एंटर हुआ तो शुगर इसके सामने ही बैठा था. इसने खुद को नॉर्मल किया और इसके साथ बैठते हुए कहा, कैसे हो शुगर? वो बिना बोले बस तेरे को देख रहा था. क्या तुम कुछ कहना चाहते हो?
मुझे अभी भी अपना जवाब चाहिए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं। इसने से सवालिया नजरों से देखा। अब ये समझ आ गई थी कि शुगर किस बारे में बात कर रहा है। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं करता, इसने गुस्से से कहा। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? ये उसे डेट करने से बहुत बेहतर होगा। अच्छा, वो कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। इस शर्त से आपके पास है ही क्या? अगर तुम इसके साथ रहे तो वो तुम्हारे सारे पैसे ले लेगा। हम दोनों अमीर हैं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। शुगा, देखो मुझे नहीं पता तुम जोंगों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस पर बर्डन हूँ। तुम मेरे लिए बेटर हो सकते हो, पर जोंगों मेरे लिए बेस्ट है। इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। नहीं, इसने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारी बात तो तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, बस जिद पे हो। मैं जिद पर नहीं हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। तुम जो मर्जी कह लो, तुम मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकते। और दोबारा मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश ना करना, इसे गुस्से से देखते हुए कहा। आर्मी, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज के दोनों पार्ट कैसे लगे। यार आज मैं तय के घर जाना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो आज पूरी रात बस पहली बाहों में, ओफ कितनी स्ट्रेंज फीलिंग है। बस तय को अपने पास सोच कर ही मुझे इतना कुछ फील होता है। जब ये रियल में होगा तो मेरा क्या हाल होगा, उफ। वो अपने ख्यालों में बैठा क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अपने तय के पास चला जाए। जिमेन, ये बोरिंग क्लास कब खत्म होगी? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। यह आज लास्ट क्लास थी। वो अपनी दुनिया में खोया बैठा था। अभी भी इसके दिमाग में वही सब चल रहा था। मुझे इससे बात करनी चाहिए, हाँ यही ठीक होगा, इसने सोचा। जिमेन, जिमेन, इसने से हिलाया। हाँ, क्या हुआ? इसने हड़बड़ाहट में पूछा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम कब से इतना चुप रहने लगे हो? सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके कहते ही लेक्चर बेल हो गई। इसने बिना देर किए अपना बैग पैक किया और क्लास से बाहर निकल गया। इससे क्या हुआ है? वो जिमेन कैसे बिहेवियर पे इसे हैरत से देख रहा था। फिर इसने भी अपना बैग पैक किया और तय से मिलने इसके कैंपस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो दोनों ही तय और शुगर के कैंपस के बाहर थे। टाइम स्किप आफ्टर क्लास। तय और शुगर साथ क्लास से बाहर आए। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, एक बार सोच लो। तय से और गुस्से से देखा। वो कुछ कहता इससे पहले जोंगकुक ने तय को आवाज दी। तय चले, ये कहते हुए इसे खींचता हुआ अपने साथ ले आया। जोंगकुक, मेरी बात तो सुनो। इसे से गुस्से से देखा, तय वही खामोश हो गया। शुगर तय के पीछे जाने लगा तो जिमेन ने इसका हाथ पकड़ कर कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसने हाथ छुड़वाते हुए कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, अब चुप करके चलो मेरे साथ।
कुछ सेकंड रुक कर जमीन को देखा, जैसे गुस्से में बोल रहा था। न जाने अजीब सा एहसास इसके दिल में हुआ जब इसने जमीन को ऐसे देखा। इसने भी खामोशी से इसके पीछे चलना शुरू कर दिया। अदर साइड टेकुक इन टेस हाउस। जोंगकुक ने घर के अंदर आते ही टेकुक दीवार के साथ पिन किया और इसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए इसके होठों को अपने होठों में लिया। इसने टेकुक तब तक नहीं छोड़ा जब तक इसका गुस्सा कम नहीं हो गया। जोंगकुक की शोल्डर पर मारा क्योंकि अब इससे सांस नहीं ली जा रही थी। जोंगकुक ने इसके होंठ छोड़े और इसके साथ सर जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों की सांसें तेज थी। जोंगकुक क्या हुआ है तुम्हें? तेज शुगा और तुम क्या सिर्फ दोस्त हो? हाँ जोंगकुक, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। ये जानता हूँ मैं, पर पता नहीं क्यों वो तुम्हारे करीब आए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बल्कि वो क्या, कोई भी तुम्हारे करीब आए जान निकल जाती है मेरी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ जोंगकुक, सिर्फ तुम्हारा। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, बस तुम्हारा। तो मैं ये हक पूरी तरह से अपना करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे होना चाहोगे? इसने तो तुम्हें घर बुलाया है आज, इसने सोचा। ते जवाब दो। तेरे बिना देर किए अपने होठ जोंगकुक के होठों पर रखे। जोंगकुक के फेस पर एक डेविल स्माइल आई थी। अदर साइड ह्यूमन। जेमी इसे अपने साथ कॉलेज के स्टोर रूम में ले आया था। अब बताओ क्या बात करनी है, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। हाँ बोलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जो मैं तुम पर वेस्ट करूँ। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही मसला है और तुम तय को पसंद करते हो तो तुमने मुझे किस क्यों की?